अभी एक वीक पहले एक 2.5 KVA का सोलर पैक आप लोगों के लिए नेक्सस की तरफ से लॉन्च किया गया था। तो इससे पहले भी हम लोग 2.5 KVA के कई सारे अपने पैक जो हैं वो लॉन्च कर चुके थे, पर इस वाले पैक में स्पेशल ये था कि इस वाले पैक के अंदर फर्स्ट टाइम हमने अपना एक 420 वॉट का एंटी बायफेशियल पैनल वो आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो फ्रेंड्स, कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका मुझे ये मैसेज आया कि सर ये 2.5 KVA का पैक उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन लोगों के लिए जो डे के टाइम पे उनका ज़्यादा लोड है, पर हम तो ग्रिड फ्री होना चाहते हैं, हमारा घर पे बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं है, नाइट के लोड थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए भी कोई एक ऐसा बजट पैक बनाइए जो हमारे बजट में आ जाए और हम लोग ग्रिड फ्री हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 kW का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैक इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, और ये पैक जो है एक बजट पैक रहने वाला है। आप मार्केट से अगर इस पैक को कंपेयर करेंगे जनरेशन वाइज तो इससे सस्ता पैक मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं मिलने वाला है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये पैक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि दो तरह के जो हमारे यूजर हैं, जो एक कैटेगरी है कि जिस कैटेगरी में जो उनका एवरेज पावर कंजप्शन रहते हैं वो रहते हैं 10 से 15 यूनिट के बीच में। तो जिन लोगों के 10 से 15 यूनिट के बीच में पावर कंजप्शन रहते हैं उन लोगों को अक्सर जो ट्रेडिशनल पैनल के साथ में अगर वो जाएंगे तो 4 से 5 kW का जो पैक है वो लोग सजेस्ट करते हैं, पर हम लोग चूंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते हैं तो हम 2 से 3 kW का पैक उन लोगों के लिए सजेस्ट करते हैं। तो 2.5 KVA जो हमारा पैक है जिसके अंदर हम लोग 2 बैटरी दे रहे हैं आपको और 2000 वॉट तक का कोई भी आप उसे जो लोड है वो लिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई 2 बैटरी पे है और 2 बैटरी पे आप उसमें अप टू 2500 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। आपको 10 से 12 यूनिट अगर डे टाइम में आपको लोड चलाना है तो आपका वो लोड चल जाना है, पर साथ ही हमारे वो यूज़र भी रह जाते हैं जिनके पास में ये है कि भाई नाइट को पूरी नाइट उनका एक AC चलना है, माना कोई सोलर एयर कंडीशनर उन्होंने लगाया हुआ है या 1 टन का उन्होंने इन्वर्टर AC लगाया हुआ है, तो उन लोगों को क्या होता है कि भाई दिन में तो उनका लोड चली जाए, AC तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो AC तो पूरे दिन चलना ही है, पर रात के टाइम भी होता ही है कि भाई एक AC तो एटलीस्ट चल जाए, 2 AC ना चले, कम से कम एक कमरे में AC चल जाए तो बच्चे बच्चे आराम से सो जाए। तो फ्रेंड्स, जो वो हमारा 2.5 KVA का पैक है वो सफिशिएंट इतना नहीं है कि नाइट में एक AC को पूरी नाइट वो चला सके, क्योंकि नाइट में जब AC चलना है तो प्रैक्टिकल आप सोच के देखिएगा तो फ्रिज भी चलना है, उसके साथ ही फ्रिज के साथ में घर के फैन होते हैं वो भी चलने हैं, लाइटिंग होती है वो भी चलना है, बच्चों के लैपटॉप होते हैं वो भी चार्ज होने हैं, तो कई सारे इस तरह की हमारे घर में लोड होते हैं जो उसके साथ में चलने ही चलने हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिस सिस्टम के अंदर हमें नाइट का जो बैकअप है वो भी हम लोगों को ज़्यादा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर में करीब 10 से 15 यूनिट पर डे का पावर कंजप्शन है, 10 से 15 यूनिट का आप मतलब समझ लीजिए कि आज सुबह 7 बजे आपने अपने मीटर में रीडिंग चेक की और फिर कल सुबह 7 बजे आपने अपने मीटर में रीडिंग चेक की, अगर वो रीडिंग जो है जो आपने 24 घंटे में आपने पावर कंजप्शन खर्च किए हैं, अगर वो पावर कंजप्शन जो हैं वो आपके 10 से 15 यूनिट के बीच में रहते हैं तो ये वाला जो पैक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वाला पैक आपके लिए परफेक्ट पैक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात ये कि ये पैक उन लोगों के लिए है जिन लोगों के नाइट को AC चलाना है या नाइट के टाइम पे उन लोगों को रात भर कूलर चलाने हैं, 1 या 2 कूलर चलाने हैं, रात भर उनका रेफ्रिजरेटर चलना है, तो उन लोगों के लिए 2.5 KVA पे ना जाके वो लोगों को 3 KVA पे जाना चाहिए और 3 KVA का जो पैक है उनके लिए एक परफेक्ट पैक होता है। इस पैक में हम लोग आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 12 से 15 यूनिट पर डे का जनरेशन, जो सोलर से आप लोगों को जनरेशन मिलेगा वो 12 से 15 यूनिट आप लोगों को मिलेगा। तो जिन लोगों के पावर कंजप्शन 12 से 15 यूनिट रहते हैं वही लोग इस पैक को बाई करें। अब ये 10 से 12 यूनिट और 15 यूनिट जो मैं बता रहा हूँ, बाद में कई लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि सर आप बताते हैं कि जो ये आपका पैनल है ये बायफेशियल पैनल है तो ये 12 से 15 यूनिट जनरेट करेगा, तो आज तो मुझे वो 10 ही यूनिट मिली हैं या 8 ही यूनिट मिली हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो यूनिट जनरेशन होता है वो हम साल में 300 दिन की बात करते हैं और 300 दिन में पूरी साल का एवरेज होता है, किन्हीं दिनों में आपको जनरेशन 1 kW बायफेशियल पैनल से 8 यूनिट भी मिल जाएगा और किन्हीं दिनों में आपको 4 यूनिट भी मिल जाएगा। तो ऑन एवरेज की बात होती है कि ऑन एवरेज में आपको पूरी साल में कितने यूनिट का प्रोडक्शन आप लोगों को मिलने वाला है। दूसरे ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में जो बैटरी को हम चार्ज करते हैं और बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम पे भी बहुत सारे पावर लॉस होते हैं, तो जब आप अपनी यूनिट को कैलकुलेट करें कि कितना यूनिट मुझे सोलर से मिला तो आप
उस चीज को भी कंसीडर करें कि मेरी बैटरी चार्ज हुई, कितने यूनिट से मेरी बैटरी चार्ज हुई और कितने यूनिट मेरे को पावर बैंक मिला। अगर आपको ये चीज़ क्लियरली और थोड़ा सा डीप में समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सोलर से जनरेशन ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में किस तरह आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बात आ जाती है हमारे मेन मुद्दे की। तो इस मेन मुद्दे में हम लोग दे रहे हैं आपको 6 एन टाइप बाइफेशियल पैनल, 420 वाट का एक पैनल है। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम 420 वाट बता रहा हूँ तो इसका मैं फ्रंट साइड बता रहा हूँ, आपसे हम पैसे भी 420 वाट के ले रहे हैं, पर ये जो पैनल है चूंकि ड्यूअल साइड है, दोनों साइड से काम करता है, तो इसका ओवरऑल जो जनरेशन आपको मिल सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर माउंट कर दिया तो 560 वाट तक का आपको इस पैनल से आप लोगों को जनरेशन मिल सकता है। तो ये पैनल का मैक्सिमम जनरेशन है कि 560 वाट आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको प्रॉपरली लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वाले पैक में 6 पैनल हम लोग बाइफेशियल के 420 वाट के आप लोगों को दे रहे हैं। ये इतना सफिशिएंट होता है, 15 यूनिट की पावर कंजप्शन पर डे के हैं उन लोगों के लिए ये 6 पैनल ही सफिशिएंट है। आप लोग चाहें तो इसमें दो पैनल और एक्सटेंड कर सकते हैं, 8 पैनल तक आप इसको ले सकते हैं, पर फिलहाल जो मैं आपको पैक बता रहा हूँ ये मैं केवल आपको 6 पैनल के साथ में पैक बता रहा हूँ। तो इसमें 6 पैनल हम लोगों ने आपको दिए बायोफेशियल के 420 वाट। इसके साथ ही हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं आपको 4 बैटरी, जो हमारा 2.5 केवी है उसके अंदर 2 बैटरी हम लोग देते हैं, इसके अंदर हम लोग 4 बैटरी आपको दे रहे हैं, 150 एच की 4 बैटरी। आप चाहें तो उसको 200 एच की 4 बैटरी भी आप ले सकते हैं, पर ये जो पैक है मैं आपको 150 एच के साथ में बता रहा हूँ। तो 4 150 एच की C10 बैटरी आपको इसके साथ मिल रही है, जिनकी जो वारंटी है वो वारंटी है 3 साल, 3 साल कंप्लीट फ्री रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा आपकी बैटरी अगर खराब हो जाती है, और 3 साल के बाद में आपकी बैटरी कभी भी खराब हो जाती है तो आपको 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे आप अपनी बैटरी को कभी भी रिप्लेस करा सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको पैनल की वारंटी बताना भूल गया था, तो पैनल जो है वो 30 साल वारंटी में आप लोगों को मिलने वाला है, 30 साल पैनल की जो है परफॉर्मेंस वारंटी आपको मिलेगी। इसके साथ ही इसके अंदर जो तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है सोलर PCU। तो सोलर PCU हम लोग इसमें आपको दे रहे हैं 3 KVA का, जिसपे आप 2400 वाट तक का कोई भी लोड आप इस पर ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ट्रेडिशनल 1.5 टन का एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपके पास में लगा हुआ है, तो हमारे PCU से आप 1.5 टन के जो ट्रेडिशनली 5-स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसको भी आप चला सकते हैं। बाकी मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर नया एयर कंडीशनर लेना है तो आप सोलर एयर कंडीशनर लें, और बाकी अगर आपके घर पे पहले से 5-स्टार एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपका लग ही गया है तो आप अपने 5-स्टार एयर कंडीशनर को इससे चला सकते हैं। 1 से 1.5 टन का 5-स्टार एयर कंडीशनर आप इससे चला सकते हैं। एक सवाल आपका यहीं पे होगा कि क्या सर मेरे घर पे 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है इन्वर्टर का, क्या ये पैक इतना पावरफुल है कि पूरी रात मेरे इन्वर्टर एयर कंडीशनर को चला दे? तो फ्रेंड्स, इस सवाल का कोई सीधा सीधा आंसर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं उसके पावर जो कंजप्शन होते हैं वो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर के मुकाबले कम होते हैं, वो सही है, पर कई बार क्या होता है कि शाम तक होते होते हो सकता है दिन के टाइम में आपने इतना अपना जो प्रोडक्शन आ रहा था वो खर्च कर दिया हो कि नाइट के टाइम पे आपका बैटरी फुल चार्ज आपको ना मिले। अगर नाइट के टाइम पे आपको बैटरी फुल चार्ज मिल जाती है और आपका रूम साइज 10x12 या 10x14 का है, तो 90% ये संभावना है कि ये 4 बैटरी आपका जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसको पूरी रात चला देंगी। अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है या रूम साइज काफ़ी बड़ा है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि रात में 2 से 3 बजे आपका इन्वर्टर जो है वो CT आपको कर जाए। तो ये 3 KVA का आपको इसके साथ में PCU मिलने वाला है, साथ ही आपको 10-10 मीटर के सोलर वायर इससे मिलने वाले हैं इस वाले पैक में, और इसके साथ ही आपको इससे रिलेटेड सारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो कनेक्टर्स मिलने वाले हैं। जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, हम लोग स्ट्रक्चर को अपने पैक में इंक्लूड नहीं करते हैं। आप चाहें तो आप करा सकते हैं, हम लोग दूसरी कंपनी से आपको स्ट्रक्चर बाई करके दे देंगे, हम लोग खुद स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर को अपने पैक में काउंट नहीं करते हैं। तो इस पैक की जो टोटल कॉस्ट है वो है 1,92,000 रुपये, 1,92,000 रुपीज इस पैक की कॉस्ट है इंक्लूडिंग GST। और इस वाले पैक में ट्रांसपोर्ट चार्ज अगर आप डायरेक्ट कंपनी से बाई करते हैं इस पैक को तो वो एक्स्ट्रा है, आपको एक्स्ट्रा उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना पड़ेगा। और आप अगर हमारे नियर अबाउट में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो आपको इसी रेट में आपको हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ये वाला पैक मिल जाएगा। अब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की बात चली तो साथ ही मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी एक अपना दूसरा चैनल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिस चैनल में हम लोग जो भी लोग सोलर से जुड़ के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं सोलर का, या सोलर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सोलर एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा इंडिया में जरूरत पड़ने वाली है, और आने वाले टाइम में सोलर एक्सपर्ट्स, ई व्हीकल्स, लिथियम आयन बैटरीज, इनका बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। तो लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज, ई व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज और सोलर की कंप्लीट नॉलेज से रिलेटेड एक नया चैनल मैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ,
और उसमें पहले 50 लोगों को हम लोग करीब 1 से 1.5 महीने की हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उससे रिलेटेड आपको बिजनेस टिप्स ट्रिक्स वो सारी चीज़ें उस कोर्स के अंदर हम लोगों ने रखी हैं। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पैक और वो चैनल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो आप चैनल पे हमारे पे ज़रूर बने रहिएगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको कि सोलर ट्रेनिंग चाहिए और उसके बारे में पूरी नॉलेज चाहिए, तो वो कमेंट कीजिएगा, अपना नंबर छोड़ें, मेरे एग्जीक्यूटिव उन्हें कॉल करके बता देंगे। अभी प्लानिंग स्टेज में है, अगले 10 से 15 दिन में हम लोग उसको फाइनल स्टेज पर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो मेरा वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, ये पैक भी बहुत पसंद आया होगा। पैक से रिलेटेड कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने अगर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।